आप देखिए, इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि 34-35 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा ख़राब हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जीडीपी का इनको पता नहीं है, सब नुकसानात है। इस देश का कितना नुकसान हो रहा है, पर इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। जेएनयू में किस बेरहमी से वहाँ पे लोगों बच्चों को मारा गया और बाहर के लोगों को एवीपी द्वारा उनको मारा गया। इनको लगता है कि हम छात्रों की आवाज़ को ये दबा देंगे और हमारे जज्बे को, हमारे हौसले को ये कमज़ोर कर देंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये चाहे डंडे ले आएँ, लाठियाँ ले आएँ, गोली लेके आ जाएँ और चाहे ये रॉड के डंडे लेके आ जाएँ, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी किताबें, हमारी कलमें, हमारे जो बैग हैं वो मजबूत होंगे इंशाल्लाह। सर, जो जेएनयू में पूरा हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि 3-4 घंटे अंदर पूरा लट लेकर, डंडे लेकर लोग हॉस्टल में घुसे हुए थे, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस गेट पर थी, वो अंदर नहीं गई। क्या वजह रही उनका ये भी कहना कि बीसी ने, हमने परमिशन नहीं दी थी अंदर जाने की। लेकिन लोगों का एक दूसरा तर्क है कि जामिया में तो पुलिस बिना परमिशन के चली। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, इन्हीं का शहर, यही मुद्दई, यही मुनसिफ, हमें यकीन था कि कसूर हमारा ही निकलेगा। हमारे ही जेएनयू के छात्र अंदर पिटे, उन्हीं के सरों पे स्टिचेस आए, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया और उन्हीं के प्रेसिडेंट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, आप ये देखिए। और पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। वो भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे जो बच्चों को मारते हैं। ये सब इनकी साजिश थी, एक प्लानिंग थी इनकी, किस तरह इनको, इनके आवाज़ों को दबाना है। पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, सब कुछ इन्हीं का तो है और ये उसको यूज़ करते हैं अपने चुटकियों के दम पे, अपने सत्ता के नशे में। सर, प्लानिंग के और किसका इस पूरे मुद्दे में किसका फ़ायदा होने वाला है? जाहिर सी बात है, इनका मकसद ये है, सरकार का मकसद ये है, गृह मंत्री और मोदी जी का मकसद ये है कि जो आवाज़ें उठेंगी उस आवाज़ों को ये दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ कोई भी ना बोले, ये चाहते हैं इनके खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, ये चाहते हैं कि बच्चों को मार के, उन पर मुकदमे दर्ज करके, उनको अरेस्ट करके, उनके करियर ख़राब करके, ये हमारी आवाज़ों को, हमारी जायज़ जो मांगे हैं उनको ये दबा देंगे। पर ऐसा होने वाला नहीं है। यूपी में देखिए क्या हुआ, यूपी में जिस लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे यूपी में, वहाँ पे 1000 लोगों को डिटेन करा गया, 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 200 लोगों को अरेस्टिंग हुई और जो ये लोग बोलते हैं कि जो लोग कल्प्रिट थे उनके फोटोज चौराहे पे लगा दिए गए कि ये, और उनकी दुकानों को, मकानों को सीज किया गया, नोटिस भेजा गया। और यहाँ पे इतना बड़ा दंगा हो गया जेएनयू में, कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई एफआईआर नहीं। ये पुलिस कहाँ चली जाती है जब नजीब खो जाता है? ये पुलिस कहाँ चली जाती है जब हैदराबाद में खुलेआम हमारी बहनों का, हमारी माओ का, हमारी बच्चों का रेप होता है? ये कहाँ चली जाती है पुलिस? पुलिस सिर्फ प्रशासन के, सरकार के इशारों पे काम कर रही है, अपना ईमानदारी से कुछ भी काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। सर, गृह मंत्री का बयान है देश में कितना ही आंदोलन हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन हम एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही राज है, इसको बना दिया इन लोगों ने। पर गृह मंत्री कुछ भी कहते रहे, अमित मोदी जी कुछ भी कहते रहे, इनको पीछे हटना पड़ेगा। 34-40 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे रोड पर हैं, इनको पीछे हटना पड़ेगा, इनको CAA वापस लेना पड़ेगा, इनको NRC वापस लेनी पड़ेगी। खुद ऑन रिकॉर्ड है गृह मंत्री ने कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे देश में। और मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मुकर जाते हैं इस स्टेज पर, रामलीला मैदान में हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि इसको लागू किया जाएगा। NRC CAA दोनों भाई बहन है एक तरीके का, आप ये समझ लीजिए। वो एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारे हौसले भी नहीं कम होंगे, हम भी एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम भी अपने सलेंटी प्रोटेस्ट करते रहेंगे और इन प्ले कार्ड से और स्लोगन से और नारों से हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब संसद कमज़ोर होती है तो सड़क मजबूत होती है। आप दिखाइए अपने चैनल के माध्यम से कि कितने लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हर धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान को, हमारे आइन को बचाने की लड़ाई है। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। ये करना चाहते हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमें गंगा जमुना तहजीब सिखाई जाती है इस जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। AMU में हमें गंगा जमुना तहजीब हमें पढ़ाई जाती है कि इंसान की दो आँखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, हमें ये पढ़ाया गया है। ये चाहते हैं कि हमें लड़ाया जाए और इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, ये चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। सर, AVP का आरोप है कि लेफ्ट के छात्रों ने हमारे ऊपर हमला किया है। मैंने क्या कहा,
कि तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुनसिफ। हमें यकीन था कि कसूर हमारा ही निकलेगा, हमें यकीन था कि कसूर हमारा ही निकलेगा। ये लोग उल्टे सीधे कांड करें और फंसा हमें दिया जाता है। आप देखिए, जो लड़की पिटी जेएनयू में, उसी के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर दी गई हैं दिल्ली पुलिस ने। तो क्या हुआ, ये क्या है, ये भेदभाव ही तो है और इसी की लड़ाई है, इसी की लड़ाई है असल में। सर क्या लगता है, लोगों का कहना है कि अब जुडिशरी पर भी विश्वास नहीं है, पुलिस भी सरकार की तरफ की बात करती है, तो फिर ये आंदोलन, ये लड़ाई, ये इंसाफ कैसे मिलेगा, किससे, कहाँ से लड़ी जाएगी? देखिए, बड़े बड़े आंदोलन हुए इस देश में और आंदोलन होने के बाद ही इंसान को कामयाबी मिलती है। और आप देखिए किस तरह से हर धर्म के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और किस तरह की यूनिवर्सिटीज़, चाहे कानपुर हो, चाहे केरला हो, चाहे नदवा हो लखनऊ का, चाहे AMU हो, चाहे JNU हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जामिया हो, सब बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी उनको कह रहे हैं कि आपको इस प्रोटेस्ट में जाना है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। देखिए, कामयाबी बहुत बड़ा मुद्दा है, कामयाबी मिलेगी ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, अगर कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो एक दूसरा पक्ष सामने से आ रहा है और वो उसका कहीं ना कहीं तेज़ी से विरोध हो रहा और कई जगह टकराव की स्थिति भी आ रही है सर सामने देखने। देखिए, ये लोग टकराव तो खुद ही करते हैं, खुद ही ये पत्थर चलवाते हैं, इन्हीं के लोग भीड़ में आ जाते हैं, वो पत्थर चलाते हैं, वो बसों में आग लगाते हैं और हमें जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं उनको फंसा दिया जाता है। जामे में भी यही हुआ। आप देखिए ना, कहाँ पे कौन पत्थर चला रहा है, किसकी जेबों में पत्थर हैं, किसके हाथों में लाठियाँ हैं, किसके हाथों में डंडे हैं। ये इनकी नापाक साजिश है और ये साजिश इनकी हमेशा रहेगी। उन्होंने यही करा है, इन्होंने यही करा है। इन्होंने GDP की कभी बात नहीं करी है, इन्होंने रोज़गार की कभी बात नहीं करी है, इन्होंने खाने पीने की कभी बात नहीं करी है, इन्होंने भेदभाव की कभी बात नहीं करी है, ना इन्होंने अंगड़ों की बात करी है, ना पिछड़ों की बात करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान लाठी गोली डंडे से ही इस देश को चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये लोग हम लोग सारे लोग, सारा यूथ, सब लोग जाग चुके हैं, उनको पता है कि अब हमें अपना हक कैसे लेना है और इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। मैम, इस आंदोलन में देखा गया है ज़्यादातर छात्राएं, महिलाएं सड़कों पे दिखाई दे रही हैं, कैसे देखते हैं महिलाओं के योगदान को? लोग सलाम ठोक रहे हैं महिलाओं को। एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक लोग जो ये मिसकंसेप्शन रखते थे कि वुमेन जो है वो सिर्फ घरों या ये सब में, आप मतलब ये जो चल रहा है डेमोंस्ट्रेशन, ये प्रोटेस्ट, ये खुला जाकर एग्जांपल है कि जो हमारे लिए जो एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट गई थी, उसके कितने कॉन्ट्राडिक्ट्री ये इमेज रही है। और मैं उन बहनों, उन माँ, उन सबको सलाम कहना चाह रही हूँ जो हमारे साथ हैं और जो शाहीनबाग की औरतें हैं जो 25 से ज़्यादा दिन एक बाद एक चीज़ पे डटी बैठी हैं, मतलब उनके हौसलों को सलाम। कई भी ऐसी वीडियो आई हैं लड़कियों के साथ बड़ी बर्बरता देखने को मिली है लाठी डंडों के साथ, अब JNU में किस प्रकार से सर फाड़े गए, लेकिन लड़कियां फिर भी पीछे नहीं हट रही। बिल्कुल पीछे और ना ही हटेंगे हम, ये गवर्नमेंट यही चाह रही है कि हम हटें और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तुम कितना ही हमें क्यों ना जोर लगा के सप्रेस करो, हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी हिम्मत के साथ, इसी यकीन के साथ।